अभी नवरात्रि चल रहे फ्रेंड, तो नवरात्रि के लिए मैं बहुत जल्दी, कुछ तामझाम की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाता है ये हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी, तो आप सब जरूर देखना। मैं हूँ मोनोरमा, मेरी टॉप किचन में आप सभी को स्वागत है। फ्रेंड, आप सब नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लेना। जब मैं कुछ नया बनाऊंगी सबसे पहले आप सबके पास पहुँच जाएगा। फ्रेंड, तो मैं ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप सबको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आलू से मैं बनाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं मैं कैसे क्या क्या रेसिपी आप सबके लिए लेकर आई हूँ, वो भी व्रत के लिए, जो बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाता है। उबला हुआ आलू लेके ग्रेट करके रख लेती हूँ। साथ साथ में मैं ले लिया कुट्टू की आटा, संधा नमक और थोड़ा सा काटा हुआ धनिया। धनिया देखिए मैं ग्रेट करके रखी थी, जो आलू वो भी ऐड करूंगी और अच्छे से मैं धीरे धीरे करके बना के रेडी कर लूंगी। और फिर बाद में मैं पानी यूज करके मैं थोड़ा थोड़ा करके एक आटा की डो जैसे बना के रेडी कर लूंगी। साथ साथ में मैं थोड़ा सा रिफाइन तेल देके अच्छे से डो को रेस्ट होने के लिए छोड़ दूंगी। साथ साथ में मैं अभी सब्जी बना के रेडी करूंगी। तो उबला हुआ आलू छोटा छोटा करके मैं काट के रेडी कर लेती हूँ। पहले ऐसे काट के फिर कढ़ाई पर दे दिया तेल, रिफाइन तेल दे दिया मैंने, और साथ साथ में मैं दे देती हूँ खड़ा जीरा। बहुत जल्दी बहुत चटपटा बन के रेडी हो जाता है और आपको कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारा काटा हुआ दे दिया हरी मिर्च, आप जैसे तीखा खाना पसंद करते हो ऐसे तीखा दे सकते हो, तो मैं दे दिया। अभी उबला हुआ आलू जो रखे थे वो भी दे दिया। और देखिए मैं अच्छे से अभी मिक्स कर लूंगी, थोड़ा सा फ्राई करना है इसे। अभी दे देती हूँ संधा नमक, जो व्रत वाला नमक होता है ना वही नमक यूज करना है, क्योंकि व्रत के लिए थाली बना रहे इसीलिए। तो आप चाहो तो ऐसे नमक भी यूज कर सकते हो। अभी दे देती हूँ थोड़ा सा अमचूर पाउडर, अमचूर पाउडर दे के मैं दे दिया थोड़ा सा कुट्टू की आटा। देखिए अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा कटा हुआ धनिया दे के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये बन के पूरा रेडी हो गया और मैं अभी सर्व कर देती हूँ। तो बहुत जल्दी बन के रेडी हो गया फ्रेंड। तो अभी आटा ले लिया, आटा से मैं एक पार्ट ले लिया और एक पार्ट मैं अलग रेसिपी बनाऊंगी, वो भी बाद में यूज करूंगी, शेयर करूंगी। तो आप सब वीडियो की लास्ट तक देखना, तभी आप सबको पता चलेगा। ऐसे छोटा छोटा लेची करके मैं ले लिया, लेची लेके मैं अच्छे से पूरी की जैसे शेप से बेल के रेडी कर लूंगी पहले। अरे इधर तेल भी गरम हो गया, तो गरम तेल में ये मैं डीप फ्राई करके पूरी जैसे फ्राई करते हैं ऐसे फ्राई करके मैं निकल लेती हूँ। ये दोनों तरफ ब्राउन हो गया, देखिए कितना सुंदर गुब्बारे की तरह फूल के रेडी हो गया है पूरी। तो अभी मैं वो जो आटा रखे थे वो आटा ले लिया और आटा लेके मैं ड्राई कुट्टू की आटा कुट्टू आटा देके मैं रोटी जैसे बना के रेडी कर लूंगी। रोटी इतना बड़ा नहीं होगा, तो होगा मीडियम साइज की होगी, यही बना के मैं रेडी कर लेती हूँ। और एक्स्ट्रा जो आटा रहेगा वो पूरा निकल देना है। ये देखिए ये बनके पूरा रेडी हो गया। फिर तवा गरम करने के बाद ये देखिए अच्छे से तवा भी गरम हो गया, तो इसके ऊपर मैं दे देती हूँ ये जो रोटी बना के रखे थे ये रोटी दे देती हूँ। कोई कोई फ्रेंड ऐसे होता है डीप फ्राई खाना पसंद नहीं करता है व्रत की टाइम, इसीलिए वो लोगों के लिए है ये रेसिपी। तो जरूर आप सब देखना एक बार, तभी आप सबको पता चलेगा। बहुत हेल्दी बहुत स्वादिष्ट बन के रेडी भी हो जाता है, बहुत सॉफ्ट बन के भी रेडी हो जाता है। और ये खाने की बात तबीयत बिल्कुल खराब नहीं होता है फ्रेंड, बहुत हेल्दी है ना इसीलिए। तो ये देखिए ऐसे एक तरफ जब छोटा छोटा बबल्स आ गया मैं चेंज कर दिया और अच्छे से इसे मैं सेक के रेडी कर लेती हूँ। ये तवा के ऊपर सेकना है। ये देखिए अभी ब्रश लगा के मैं थोड़ा सा घी स्प्रेड कर देती हूँ और दोनों साइड अच्छे से मैं गोल्डन करके सेलो फ्राई कर लेती हूँ फ्रेंड। ये देखिए कितना सुंदर कलर भी आया ना, और ये बनके पूरा रेडी हो गया। देखिए दोनों साइड कितना अच्छे से बनके रेडी हो गया, बहुत कम घी से बनके रेडी हो जाता है। तो ये देखिए ऐसे करके मैं सारी रोटी बना के रेडी कर लेती हूँ। तो बहुत साथ साथ में मैं बनाऊंगी फ्रूट सलाद। फ्रूट सलाद के लिए मैं कुछ ले लिया फ्रूट, ये है अनार, एप्पल, जापानी फ्रूट, ऑरेंज। केला लेके मैं पहले
छोटा छोटा पीस करके काट के रेडी कर लेती हूँ। फिर मैं ऑरेंज भी छिलका छुड़ा के क्लीन करके मैं छोटा छोटा पीस करके ले लेती हूँ। अभी मैं एप्पल भी काट के छोटा छोटा पीस करके मैं ले लूंगी। सारे फ्रूट छोटा छोटा करके काटने के बाद लेने से अच्छा होता है फ्रेंड। अभी मैं अनार दे देती हूँ, जापानी फ्रूट भी दे दिया काट के, और ये देखिए अनार भी दे देती हूँ। व्रत रखने वाली हो ना तब जरूर फ्रूट सलाद लेना फ्रेंड, क्योंकि फ्रूट के अंदर बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन रहता है, तो जरूर आप सब ले सकते हो। बहुत वीकनेस हो जाता है ना व्रत के टाइम, तो इसीलिए ये फ्रूट सलाद और कुछ भी मिल्क से बना हुआ ड्रिंक ये भी ले सकते हो। साथ साथ में मैं दे देती हूँ संधा नमक। संधा नमक दे के मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। संधा नमक देने के बाद बहुत स्वाद चेंज हो जाता है फ्रेंड और टेस्टी भी लगते हैं। तो ये देखिए अभी मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ। ये बनके तो रेडी हो गया, अभी प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो प्लेटिंग करने के लिए पहले मैं जो सूखा हुआ आलू चाट या आलू सब्जी जो भी बोलोगे आप वो मैं दे देती हूँ। अभी दे देती हूँ जो पूरी बना के रखे थे वो पूरी दे दिया, और अभी दे देती हूँ फ्रूट सैलड। बस मेरी थाली बनके रेडी हो गया नवरात्रि ब्रेकफास्ट के लिए। तो आप सब जरूर बताना फ्रेंड, आप सबको कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छा लगे, या आप सब कैसे मनाते हो नवरात्रि, ये भी मुझे कमेंट कर सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड एक लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी बनके रेडी हो गया। साथ साथ में मैं रोटी के साथ भी मैं सर्व कर देती हूँ। आप चाहो तो दही भी आप ले सकते हो, मैं दही नहीं दिया इधर, आप चाहो तो दही भी यूज़ कर सकते हो। तो देख सकते हो आप कितना सॉफ्ट रोटी बन के रेडी हो गया, बहुत कम घी से बन के रेडी हो गया और बहुत हेल्दी। तो आप सबको कैसे लगा फ्रेंड मेरी ये रेसिपी ज़रूर बताना। थैंक यू फ्रेंड, मैं अगली वीडियो लेके आती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। आप सब अच्छे से रहना फ्रेंड।